नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिसका नतीजा चीका की नंदीशाला में तड़प तड़प कर मर रही है नंदी व गाय। वंदे मातरम दल के जिला प्रधान भीम कौशिक ने बताया कि नंदीशाला में गाय व नंदी भूख के कारण मर रही हैं। कौशिक ने बताया कि नंदीशाला में ना तो चारा है और ना ही भूसा और ना ही उनके लिए दवाई की व्यवस्था है। कौशिक ने बताया कि नंदीशाला की देखरेख का जिम्मा नगर पालिका के एमी को सौंपा गया था। एमी ने बताया कि गाय की देखरेख सही नहीं हो रही है, जिस वजह से आज घर में नंदी तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मौके पर पहुंचे हलका विधायक ने भी यह बताया कि नगर पालिका के प्रधान ने नंदीशाला की देखरेख का जिम्मा लिखित रूप में दिया हुआ है। विधायक कुलवंत बाजीगर ने नगर पालिका व अन्य कर्मचारियों को फोन कर फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द डॉक्टर व खाने पीने का इंतजाम किया जाए। विधायक ने कहा कि इसके बाद किसी भी तरह की कोताही पाई गई तो किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। गुलाचिका से आजाद टीवी न्यूज के लिए राजपाल जिंदल की रिपोर्ट। किसी ने फोन पे सूचना दी थी कि नंदीशाला के अंदर 5-6 गौ माता मर चुकी हैं। तो हमने आके देखा और यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पूछा, 2 गौ माता अब भी मरी पड़ी हैं, छोटा बच्चा है और बाकियों को हड्डा रोड़ी वाले उठा के ले गए। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही है। नगर पालिका चारे का कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ पे 300 के लगभग गाय है और इस यहाँ आधी ट्रॉली भी तोड़ी की नहीं है। नहीं है, ये भी आसपास के जिम्मेदार मानते हैं। प्रशासन की लापरवाही है बिल्कुल। तो चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है आसपास के गांव से। इससे बढ़िया तो ये रोड पे ठीक थी बेचारी, खाने को तो मिल जाता था। एकदम आदेश पूरे हरियाणा में हुए थे कि जो भी सड़कों पे नंदी फिर रहे हैं जिनके कारण एक्सीडेंट होते हैं उनको कहीं रजिस्टर किया जाए, कहीं उनका इंतजाम किया जाए। और उसी बात को देखते हुए यहाँ डीसी साहब ने आदेश कर दिए थे और ड्यूटी हमने लगा दी थी। नगर पालिका एमई एसडीओ की ड्यूटी लगाई थी और उन्होंने तुरंत चारद्वारी निकलवा के और ये काम चारद्वारी दलवा के ये छत डलवा के उनका खाने पीने का इनका इंतजाम किया, चारे का इंतजाम किया और वो इंतजाम ठीक हो रहा था, ठीक चल रहा था। लेकिन अब आके मैंने मौके पर व्यवस्था देखी तो व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है, क्योंकि गाय के लिए चारा भी नहीं है, तूड़ी भी थोड़ी सी पड़ी है, सारी चीज़ देखी तो इसमें वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी मैंने बात की है एमी से, एमी को पूछा तो एमी ने ये कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ जो नगर पालिका प्रधानपति है जो राजेश पिंटू, उसने डीसी साहब के पास जाके ये निवेदन किया कि ये गाय की सेवा करने के लिए जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और ये काम मैं करूँगा। तो एमई ने और एसडीएम ने मौके पे ये जवाब भी दिया था कि ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, प्रशासन अपने आप करेगा और सामाजिक लोगों से कुछ इकट्ठा करके करे या सरकार की तरफ से करे, वो हम देख रहे हैं वो काम हो रहा है, आप इस मैटर को ना छेड़ो। लेकिन वो कह रहा जी उसने लिखित रूप में लेके उसने ये जिम्मेवारी उसने खुद ली थी और वो जिम्मेवारी पूरी नहीं निभा पाया। लेकिन आज मैं कई दिनों से बाहर गया हुआ था, गुजरात दौरे पे था और आज मैं आया, आते हुए जब मुझे पता लगा कि वाकई में गाय का बहुत बुरा हाल है तो मैंने ये देखा। तो अभी मैंने एमई को एसडीएम को आदेश किए हैं कि ये इनका इंतजाम आप करवाओ, किसी पे जिम्मेवारी छोड़ने की जरूरत।